हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो रेफरेंसेज टैब है उसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उसकी जो भी कमांड्स या ऑप्शंस हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। इससे पहले के जो भी लेक्चर्स है उनमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स, फिर हमने कम्प्लीट होम टैब को समझा, उसके बाद हमने इंसर्ट टैब को समझा, फिर हमने डिज़ाइन और लेआउट टैब्स को समझा। और बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ के जो भी बाकी बचे हुए लेक्चर्स हैं उनका लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उन वीडियोस पे जा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के जो भी मेजर या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके स्टार्टिंग टाइम स्टैम्प है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। तो यह वीडियो अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए देख रहे हो तो आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे जा सकते हैं। एंड जस्ट टू क्लेरिफाई, इस वीडियो या वीडियो सीरीज़ के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2016 एडिशन को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अभी रेफरेंसेज वाले टैब को एक्सप्लोर करें। तो रेफरेंसेज में एकदम लेफ्ट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन दिखेगा और इसमें आपको अलग अलग कंटेंट्स के ऐसे लेआउट या स्टाइल्स दिख रहे हैं। तो ये सब जानने से पहले हमें पहले अलग अलग हेडिंग्स या लेवल्स है वो बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा एड कर रखा है। और अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अगर राइट में देखें तो हमें एड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस एरो पे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये तीन अलग अलग लेवल्स दिखेंगे। लेवल 1 बेसिकली जो होम टैब में हमें स्टाइल्स में हेडिंग 1 दिख रहा है वो है, लेवल 2 हेडिंग 2 है, लेवल 3 है वो हेडिंग 3 है। ये सब चीज़ें हम क्रॉस चेक भी करेंगे, बट अभी के लिए हम जो भी हमने डेटा एंटर किया है उसको अलग अलग लेवल्स या हेडिंग्स असाइन कर देते हैं। तो होम वाले वर्ड पे आना है आपको, यहाँ पे आप कहीं भी इसको सेलेक्ट कर लो या स्टार्टिंग में आ जाओ। आपको एड टेक्स्ट पे जाके यहाँ लेवल 1 ऐड करना है, फॉन्ट वर्ड पे आके आपको यहाँ लेवल 2 ऐड करना है, उसके बाद फॉन्ट थीम है उस पे आके इसको लेवल 3 ऐड करना है, फॉन्ट साइज है इसको हमें लेवल 3 ऐड करना है, इसके बाद फॉन्ट स्टाइल्स है इसको हम फिर से लेवल 3 ऐड करेंगे, और फिर आपको पैराग्राफ दिखेगा इसको हम लेवल 2 ऐड करेंगे, और ओके इसको हम लेवल 2 ऐड करते हैं इधर, उसके बाद स्टाइल्स है इसको हम लेवल 2 ऐड करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स हो गए इधर। तो अब अगर आपको चेक करना है कि लेवल से वो हेडिंग से कैसे सिमिलर है तो आपको होम टैब पे आना है। आप जैसे होम पे क्लिक करोगे यहाँ, मतलब ये होम वर्ड पे, होम टैब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो होम पे आप क्लिक करोगे फिर आप होम टैब में स्टाइल्स पे देखोगे तो देखो ये हेडिंग 1 सिलेक्टेड है, तो लेवल 1 हेडिंग 1 हो गया है। फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो ये हेडिंग 2 है, मतलब ये लेवल 2 था। इसके बाद फॉन्ट थीम पे क्लिक करोगे तो ये हेडिंग 3 है, फॉन्ट साइज हेडिंग 3 है। तो बेसिकली लेवल और हेडिंग है वो सेम ही है। ओके, तो अभी हमने लेवल्स या हेडिंग्स असाइन कर दिए, उसके बाद फिर से हम रेफरेंसेस टैब पे आ जाते हैं। इसके बाद अपना जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसके एकदम ऊपर आते हैं, फिर यहाँ आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आओ और कोई भी एक लेआउट या कोई भी एक जो यहाँ पे स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लो, जैसे हम पहले वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे देखो क्या हो रहा है कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो गया है और अपना जो भी यहाँ पे हमने जो भी हेडिंग्स या लेवल्स असाइन किए थे वो हर एक लेवल के या हेडिंग के सामने उसका पेज नंबर आ गया और एक स्ट्रक्चर टेबल आ गई। ओके, अगर हम मान लो कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, मैं अभी रेंडमली कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर, और उसके बाद अभी के लिए मैं एकदम रेंडम टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत चेंजेस आए टेबल में और हम उसको फिर से अपडेट कर सकें। फिर हम पैराग्राफ वाले पे आके इस पर भी कुछ रेंडम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और स्टाइल्स पे आके भी हम कुछ और रेंडम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने काफ़ी चेंज कर दिया डेटा को, अब हम कंटेंट की टेबल को अपडेट करेंगे। तो हमने कंटेंट में, यहाँ पे आपको पता है हर एक टेब में अलग अलग कंटेंट ऐड किया, बट जो हेडिंग्स है उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। बट फिर भी ये बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि आप जब भी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट करो आपको पूरा टेबल अपडेट करना है। तो इसके लिए जैसे मैं इस अपडेट टेबल पे, जैसे ही आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन दिखेगा अपडेट टेबल, या आपको रेफरेंसेज वाली टैब में भी यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। तो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, दोनों सेम ही ऑप्शन है। फिर आपको यहाँ पे एक अलर्ट आएगा कि आप ये सिर्फ पेज नंबर्स अपडेट करना चाहते हैं या पूरा टेबल अपडेट करना चाहते हैं। तो हम पूरा टेबल अपडेट करना चाहते हैं, यही बेस्ट ऑप्शन है, उसमें सारा कंटेंट या जो भी पेज नंबर्स है सब आ जाते हैं। तो सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो फॉन्ट थीम है उसका पहले पेज नंबर 1 था वो 2 हो गया है, पैराग्राफ स्टाइल, जो भी बाकी टाइटल्स है, जो भी बाकी हेडिंग्स है उनके भी पेज नंबर से वो चेंज हो गए।
तो ये सब चीज़ें हुई टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। आप यहाँ पे कहीं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करके आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं तीसरे वाला स्टाइल ऐड कर देता हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल लेके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे दिखाना चाहते हो। उसके बाद नीचे opis.com पे जाके और आप अलग अलग टाइप की टेबल्स या स्टाइल्स देख सकते हो। आप खुद से टेबल ऑफ कंटेंट का जो स्टाइल है उसको कस्टम भी कर सकते हो। अगर आप ये आपको ये हटाना है तो आप रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स करोगे तो ये यहाँ पे हट जाएगा। तो ये सब था यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। ये वाला सेक्शन हमने कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद हम जानते हैं फुट नोट्स के बारे में। तो फुट नोट्स यहाँ पे मेजरली फुट नोट और एंड नोट दो टाइप के हैं, तो इनको हम विथ एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट फुट नोट, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो पे आऊँगा और मैं इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा, तो हम वीडियो के बारे में मान लो कुछ फुट नोट ऐड कर देते हैं, ओके। तो इसको मान लो हम ऐसे लिख देते हैं वीडियो एक्सप्लेन्स थिंग्स बेटर, इतना हमने एक फुट नोट ऐड कर दिया। उसके बाद मान लो कि एक और फुट नोट ऐड करना है हमें, तो पावरफुल पे क्लिक करके मैं एक और फुट नोट ऐड कर रहा हूँ। तो इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा, पावरफुल है उसका हम यहाँ मतलब है वो निकाल देते हैं। मान लो कि उसको हम लिख देते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये सेकंड फुट नोट हो गया। तो हम ऐसे फुट नोट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मान लो एंड नोट ऐड करना है, तो फुट नोट और एंड नोट है उनमें फ़र्क क्या है कि फुट नोट हर एक पेज के एंड में दिखेगा आपको, और एंड नोट है आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी एंड हो रहा है, चाहे लास्ट पेज में आपका एकदम बीच में एंड हो रहा है वहाँ पे आपका एंड नोट आ जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट है वो तीन पेजेस में ऐड हो रहा है और तीसरा पेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम मान लो कि मेरे को यहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एंड नोट ऐड करना है और मैं इंसर्ट एंड नोट करूँगा, तो देखो यहाँ पे जो जहाँ पे भी तीसरे पेज में डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है उसके जस्ट नीचे अपना एक एंड नोट आ गया। डॉक्यूमेंट लिख के हम मान लो इसे लिख देते हैं फाइल, ओके। इसके बाद मान लो मेरे को एक और एंड नोट ऐड करना है, और मैं यहाँ पे मान लो हेडर पे आके मैं एक एंड नोट ऐड करता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी आपको एंड नोट ऐड करना है, आप और लेआउट देख सकते हो अपने आप से। तो मैं यहाँ पे टॉप ऐसे कुछ करके एक एंड नोट ऐड कर दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि अपना एंड नोट है वो एकदम डॉक्यूमेंट जहाँ एंड हो रहा है, चाहे बीच में भी एंड हो कोई पेज के वहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे भी हमने फुट नोट डाला था वो उसी पेज के एंड में आ रहा है। तो ये फुट नोट और एंड नोट की अपीयरेंस में डिफरेंस है कि वो कहाँ अपीयर होते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन दिखेगा, तो जैसे हम यहाँ पे आ गए, आपको सो नोट्स पे क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अलर्ट आ जा रहा है कि आपको फुट नोट का एरिया देखना है या एंड नोट का। तो पहले फुट नोट देखते हैं, तो देखो यहाँ फुट नोट आ गया। अगर हम फिर से अगर एंड नोट देखना चाहें तो फिर से सो नोट्स पे क्लिक करो और व्यू एंड नोट एरिया करो, तो देखो डायरेक्ट वो एंड नोट पे आ गया। आप वन बाई वन फुट नोट्स देखना चाहते हो तो आप वैसे भी नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट ऐसे कुछ कर सकते हो, ऑलराइट। तो ऐसे करके आप ये जो फुट नोट्स या एंड नोट्स वाले ऑप्शन हैं उनको खुद से भी प्रैक्टिस करके अपना अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा बेटर कर सकते हो। उसके बाद राइट में आपको यहाँ रिसर्च वाला सेक्शन दिखेगा, उसमें दो टाइप के सर्च ऑप्शन हैं, एक तो है सर्च एक है रिसर्चर। तो ऑलरेडी हम ये सब ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके हैं। सर्च में क्या कुछ भी सर्च करो, लेट्स से हम एंड्रू एनजी जिन्होंने डेटा साइंस में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया उनके बारे में सर्च करें, तो सर्च में एंड्रू एनजी से रिलेटेड आर्टिकल्स बताएंगे, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या ना। मतलब एंड्रू एनजी रिसेंटली मान लो कहीं घूमने गए हैं तो वो सब न्यूज़ भी आ सकती है इसमें। बट रिसर्चर में इसमें सिर्फ एंड्रू एनजी की रिसर्च रिलेटेड जो आर्टिकल्स है बस वही अपीयर होंगे। तो ये सर्च और रिसर्चर का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद आपको रिसर्च के राइट साइड में यहाँ साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का सेक्शन दिखेगा, और इसमें कुछ कुछ कमांड्स है जैसे इंसर्ट कैप्शन, फिर मैनेज सोर्सेज, ये सब। तो सबसे पहले हम इंसर्ट साइटेशन वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। मान लो कि हमें इस डॉक्यूमेंट के एंड में कहीं यहाँ पे मान लो मैं कुछ साइटेशन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करूँगा। ऑलरेडी मैंने एक साइटेशन इंसर्ट किया था, तो एड न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो कि कोई ऑथर का नाम लिख देता हूँ, मान लो मैं ऑथर का नाम लिख देता हूँ रमन, और यहाँ पे टाइटल मान लो मैं टाइटल सिर्फ इतना ही लिखता हूँ मिस्टर, ईयर मान लो मैंने 2019 में कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है, सिटी आप लिखना चाहो तो मान लो आप सिटी लिख सकते हो कोलकाता, और पब्लिशर तो आप
जो भी यहाँ डिटेल्स ऐड करनी है आप कर सकते हो। अभी सैंपल के लिए मैं बस इतना ही डिटेल भर के मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो साइटेशन एक ऐड हो गया है यहाँ पे, ओके। उसके बाद आप राइट में देखोगे मैनेज सोर्सेज, उस पर क्लिक करोगे तो जो जो भी साइटेशन ऐड हुए हैं आपके तो वो सारे दिखाएगा। मैंने यहाँ अमन का साइटेशन पहले ऐड किया था इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। रमन वाला जो साइटेशन अभी हमने ऐड किया वो यहाँ आप दिखा रहे हैं। तो मैनेज सोर्सेज में हम इसको कॉपी कर सकते हैं, अगर कुछ एक डिलीट करना है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, अगर नया साइटेशन ऐड करना है तो न्यू भी कर सकते हैं। तो ये सब मैनेज सोर्सेज में ऑप्शन आ रहे हैं कि आप साइटेशन से उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपको साइटेशन का स्टाइल चेंज करना है। जैसे अभी स्टाइल है वो APA है, अगर आपको इसको चेंज करके मान लो शिकागो वाला स्टाइल डालना है तो ये शिकागो वाला स्टाइल आ गया। अगर आपको यहाँ ISO 690 वाला डालना है तो ISO 690। तो ऐसे आप साइटेशन से उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल के नीचे आपको बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि आपने जो भी साइटेशन ऐड किए हैं वो सब का, जैसे हमने यहाँ पे जो भी हेडिंग्स या कंटेंट ऐड किया था तो वो टेबल ऑफ कंटेंट से हमें जितनी भी हेडिंग्स था वो सब का एक टेबल बन के आया था, वैसे ही बिब्लियोग्राफी में जितने भी हमने साइटेशन ऐड किए हैं उनका एक मतलब लिस्ट या टेबल टाइप बना के देगा हमें। तो मान लो कि मेरे को टॉप में बिब्लियोग्राफी का लिस्ट दिखाना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा बिब्लियोग्राफी पे, और मान लो मेरे को सेकंड टाइप का लेआउट चाहिए इस पर क्लिक करूँगा। तो देखो ये रेफरेंसेस करके मतलब जो भी बिब्लियोग्राफीज हमने ऐड किए, मतलब दो मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफीज ऐड किए तो वो दोनों यहाँ पे ऐड होगी। तो आप अगर कोई बुक लिख रहे हो, आप किसी को रेफरेंसेस देना चाह रहे हो कि मैंने ये सारे आर्टिकल्स रेफर किए हैं ये बुक लिखने के लिए, तो वो सब यहाँ पे आप रेफरेंसेस दे सकते हो। आप ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के जो ऑप्शन है उनको अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के राइट में कैप्शंस दिखेंगे। अगर आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेबल्स दिखेंगे। तो लेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप इक्वेशन, फिगर या टेबल, तो इससे रिलेटेड आप कैप्शन है यहाँ पे डाल सकते हो। अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को हटाता हूँ और मान लो कि मैं एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई थी पिक्चर, मैं यहाँ पे डाल दिया और इस पर हम फिगर वाला कैप्शन डालते हैं। यहाँ पे Ctrl+X यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ये इक्वेशन पे सेलेक्टेड है बट हमें पता है कि ये तो एक फिगर है, तो आपको यहाँ लेबल पे आना है और फिगर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक फिगर इंसर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ नाम लिखना है तो आप यहाँ नाम लिख सकते हो वॉल पेपर, ओके, और यहाँ पे ओके कर दो तो आपका फिगर वन आ गया, वो वॉल पेपर है, ओके। ऐसे ही आप अगर दूसरी कुछ फिगर डालना है, मान लो कि मैं यहाँ एकदम नीचे लिख देता हूँ, सेम ही फिगर रख रहे हैं हम, बट अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको दूसरा फिगर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉलपेपर 2 और ओके कर देता हूँ। तो ये अपना दूसरा फिगर आ गया। और अगर हमें टॉप में जैसे हमने रेफरेंसेज वाला टेबल डाला है वैसे ही एक टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना जो कैप्शन लेबल है वो फिगर सेलेक्टेड है, तो इसीलिए ये अपना फिगर वाला टेबल्स आएगा। अगर इक्वेशन करना है तो वो आ जाएगा, अगर टेबल पे सेलेक्ट करना है तो वो आ जाएगा, बट अभी के लिए हम फिगर वाला टेबल चाहिए तो हम फिगर पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ कैप्शन लेबल में आके यहाँ पे किस टाइप का कैप्शन डालना है वो सेलेक्ट करना है। तो अभी हम फिगर वाला टेबल डालेंगे तो फिगर पे क्लिक करके आपको यहाँ ओके करना है। तो देखो यहाँ पे दो फिगर थे और उनका हमने यहाँ टाइटल भी ऐड किया हुआ था वॉलपेपर एंड वॉलपेपर 2, और जो दूसरा फिगर है वो पेज नंबर 3 में। तो इससे क्या हो रहा है, एक आपके जो भी कैप्शन है मतलब यहाँ पे कैप्शन है वो फिगर टाइप है तो उनका एक लिस्ट बन जाएगा, मतलब टेबल टाइप बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर कोई दो टेबल इंसर्ट कर रहे हो, मान लो कि मैं यहीं पे एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करके लेट से एक टेबल यहाँ इंसर्ट कर दिया, इसके ऊपर मैं कुछ नाम दे देता हूँ टेबल, ओके, मैं कैप्शन इंसर्ट कर देता हूँ। तो रेफरेंसेज पे जाना है आपको, इंसर्ट साइटेशन, उसके बाद यहाँ लेबल में आपको टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल पे क्लिक करो और यहाँ पे आप टेबल का नाम डाल सकते हो, तो डेमो टेबल 1 कर दो और आप ओके कर दो, ओके। तो ये आपने यहाँ डेमो टेबल डाल दिया। अगर आपको टेबल टेबल ऑफ टेबल चाहिए तो आपको यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ कैप्शन लेबल है वो ऑलरेडी टेबल पे आ गया और आपको यहाँ ओके करना है। तो देखो ये टेबल ऑफ टेबल्स आ गया। अगर हम कहीं और एक टेबल ऐड कर देते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और एक और टेबल ऐड कर देता हूँ,
और इस टेबल के ऊपर मैं मान लो कि यहाँ एक टाइटल दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेफरेंसेज में आऊँगा, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा और ये ऑलरेडी लेबल अपने टेबल पे सिलेक्टेड है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ टेबल टू और नाम देता हूँ डेमो टेबल टू और ओके कर देता हूँ। ऑल राइट, तो हमने दूसरा टेबल इंसर्ट कर दिया। अब आपको जो टेबल ऑफ टेबल्स था उसको अपडेट करना होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे आना है, इसको सेलेक्ट करना है और अपडेट टेबल पे क्लिक करो और अपडेट इंटायर टेबल करो, ओके करो। तो देखो जो डेमो टेबल टू था वो वाला टेबल भी यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ फिगर और टेबल ये दो कैप्शन से उनको एक्सप्लोर किया। ऐसे ही आप इक्वेशन या कोई दूसरे टाइप का कैप्शन इंसर्ट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में तो उनका भी टेबल जनरेट कर सकते हो, और जो ये कैप्शन वाला ऑप्शन है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद आपको कैप्शन वाले सेक्शन में नीचे क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा, तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ रेफरेंस टाइप में जैसे नंबर्ड आइटम है, अगर यहाँ एरो पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग टाइप के ऐसे रेफरेंस आइटम्स दिखेंगे। मान लो मैं हेडिंग पे क्लिक करूँ तो देखो ये सारा हेडिंग्स है वो मेरे डॉक्यूमेंट में, तो आप देख सकते हो कि ये सब हेडिंग्स आपने दिए हैं या नहीं। अगर कोई हेडिंग आपको मान लो मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। ऐसे ही आप बुक मार्क है वो भी चेक कर सकते हो, अभी तक हमने कोई बुक मार्क नहीं दिया है। आप फुट नोट चेक कर सकते हो, जैसे हमने दो फुट नोट्स दिए थे। ऐसे ही आप एंड नोट, अगर आपने कोई इक्वेशन दिया है या फिगर दिया है तो जैसे फिगर पे क्लिक करो, दो हमने फिगर दिए हैं, तो ये क्रॉस रेफरेंस है। आपने जो भी यहाँ पे ये सब रेफरेंसेस दिए हैं तो उनको क्रॉस चेक करने के लिए यूज आता है। इसके बाद आपको कैप्शंस के राइट में इंडेक्स वाला सेक्शन दिखेगा, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मार्क एंट्री का। तो इसके लिए मान लो मैं यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ और मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा, और आप यहाँ मार्क कर सकते हो कुछ भी। मतलब मान लो मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, मैं इसको लिखूँगा मार्क वन और मार्क कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ मार्किंग वाले ऑप्शन है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो मेरे को कहीं और मार्क करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और मार्क एंट्री करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्क टू और मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो भी आपको आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ टाइप वाले, अगर उनको आपको डिसेबल करना है, सॉरी हाइड करना है, तो आपको होम पे जाना है और यहाँ पे जो पैराग्राफ शो वाला आइकन है इसको डिसेबल कर देना, तो वो सारे ऑप्शन चले गए। बट हमने यहाँ पे अभी दो जगह पे मार्किंग डाल दी है, तो आपको फिर से रेफरेंसेज पे आना है, और अगर आपको इंसर्ट इंडेक्स करना है तो आप इंसर्ट इंडेक्स कर दो और आप ओके कर दो। तो देखो मार्क वन सेकंड पेज पे है, मार्क टू है वो भी सेकंड पेज पे, तो मतलब कहीं पे आप पर्टिकुलर सेक्शन या पैराग्राफ को कुछ मार्क कर रहे हो तो वो भी एक ऑप्शन अच्छा है। मतलब यहाँ पे आप इंडेक्स में आके वो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसको मार्क कर सकते हो, या सेक्शन या जो भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको मार्क कर सकते हो। अगर आप बीच में मान लो कि एक मार्क चेंज कर रहे हो, मान लो मैं प्रोफेशनली पे आके फिर से एक एंट्री है उसको मार्क कर देता हूँ, या मार्क पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जो भी हमने मार्क वाला जो इंडेक्स वाला टेबल था मैं होम पे आके इसे फिर से हाइड कर देता हूँ, और अपना वो जो टेबल था वो यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, रेफरेंसेज पे आऊँगा और अपडेट इंडेक्स करता हूँ। तो देखो मार्क वन मार्क टू के अलावा प्रोफेशनली भी हमारा एक और अलग से एंट्री मार्क्ड हो गया। तो ये सब अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट सेक्शन ये सब मार्क करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स के राइट में टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ दिखेगा, मतलब आप कोई साइटेशन है उसको मार्क करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो साइटेशन में जैसे हमने यहाँ पे जो भी साइटेशंस थे आपके, जैसे रमन 2019 ये एक साइटेशन है, इसको आप मार्क करना चाहते हो और आप इसे मार्क कर दो, राइट। और आप यहाँ पे होम पे आके ये ऑप्शन को वापस म्यूट कर दो। अब यहाँ पे अगर आपको टेबल इंसर्ट करना हो तो आप फिर से रेफरेंसेस पे आओ और ये जो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज है उस पर क्लिक करो, ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे एक और कुछ ऑप्शन आ गया, मतलब जो अपना टेबल ऑफ अथॉरिटीज है वो एक नया टाइप का कंटेंट टेबल बन गया यहाँ पे। तो उसका हेडिंग है केसेस और हमने रमन वाला जो साइटेशन था उसको हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो उसका भी एक टेबल अलग से जनरेट आ रहा है, इसको बोलते हैं हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो ये सब ऑप्शन हुए रेफरेंसेज टैब के अंदर। हमने यहाँ सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझने की कोशिश की है।
आई होप हमने जो भी यहाँ टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर कोई भी स्पेसिफिक कमांड या सेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।